हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिर से एक नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। हमारी हरिद्वार की ट्रिप यहाँ पूर्ण होती है और यहाँ से अब नए व्लॉग की शुरुआत होती है, क्योंकि अब हफ्ते में एक वीडियो आएगा और संडे को आएगा। हर संडे को 9 बजे वीडियो डाल दूंगा, तो आप देखना मत भूलना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए और आने वाली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी हम आए हैं साइंस सिटी, तो आपको साइंस सिटी लेकर चलते हैं। अभी आपको साइंस सिटी अंदर जाके दिखाते हैं। साइंस सिटी के अंदर जाते ही ढोलक के गणपति जी की मूर्ति के दर्शन हुए और ये पूरे साइंस सिटी का मैप है और यहाँ से जाना है 30 फ्लोर पर, जहाँ म्यूजियम है। ये जो आप देख रहे हो ये साइंस की अलग अलग एक्टिविटी है, सो स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत काम की चीज़ है, तो एक बार साइंस सिटी की विजिट आप लोग ज़रूर करें। और जो अभी आप देख रहे हैं वो जादुई कुआ है। साइंस सिटी में आपको सौर मंडल के बारे में 20 मिनट का शो होता है, तो आप वो ज़रूर देखें। उसमें आपको सौर मंडल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। साइंस सिटी में आपको सौर मंडल के बारे में बहुत सारा जानने को मिलेगा, तो आप देखने जरूर आए। स्टूडेंट लोग यहाँ आपके बारे में बहुत सारा जानने को मिलता है, तो आप देखने जरूर आए, बहुत जानकारी मिलेगी। तो आप यहाँ साइंस सिटी की विजिट एक बार ज़रूर करें। अब यहाँ से हम सुभाष चंद्र बोस एक्वेरियम जा रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं सुभाष चंद्र बोस एक्वेरियम। तो वीडियो में बने रहे और चलते हैं अब सुभाष चंद्र बोस एक्वेरियम में। साइंस सिटी से सुभाष चंद्र बोस एक्वेरियम मात्र 3 किलोमीटर है, तो आप ऑटो या सिटी बस से भी जा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस एक्वेरियम में आते ही आपको डायनासोर का कंकाल देखने को मिलेगा, जो बहुत साल पुराना है। सुभाष चंद्र बोस एक्वेरियम में 100 से भी ज़्यादा प्रजाति की मछली आपको देखने को मिलेगी, और खारे पानी और मीठे पानी के दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट में है। ये जो आप मछली देख रहे हो ये कौन सी मछली है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइए।
आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हफ्ते को एक वीडियो आएगी, संडे को वीडियो आएगी, तो देखना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।